फिल्म शुरू होती है एक इमोशनल मदर सेंटीमेंट सीन के साथ। तब रॉकी ने बचपन में अपने माँ को ये वादा कर रहा होता है कि दुनिया का सारा सोना ले आकर दे दूंगा। अगले सीन हम देखते हैं कि कहानी बताने वाला आनंद जी को हार्ट अटैक हो गया है। तब दीपा जी आनंद जी के बेटे को पूछती है कि क्या आप कहानी कंटिन्यू करेंगे। तब आनंद जी के बेटे विजयेंद्रा ने बताता है कि मेरा पापा लिखी हुई ये कहानी सच है या नहीं मुझे तो पता नहीं, और अगर उस टाइम बने हुई रॉकी की मूर्ति मिली तो ये बात सच है, और कहानी बताना शुरू करता है। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है जब रॉकी ने गरुड़ा को मारने के बाद सारे लोग जो रॉकी को यहाँ बजे थे सारे KGF में आ रहे होते हैं, और वो लोग समझते हैं कि अब गरुड़ा के जगह उसका छोटा भाई विराट आ रहा है और आगे KGF को विराट ने संभाल लेगा और उसके लिए सारे वेट कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी का एंट्री, क्योंकि रॉकी ने विराट को गरुड़ा को मारने से पहले मार दिया है, और रॉकी का एंट्री तो अलग ही स्वैग होता है। और अब रॉकी ने सीधा आके गरुड़ा के सीट में बैठता है। तब सबको पता चलता है कि रॉकी ने सिर्फ गरुड़ा को मारने के लिए नहीं आया था, पूरा KGF को लेने के लिए आया था, और सबको रॉकी ने बुला लिया था और रीना को भी। तब रीना को देखते ही कमल ने रॉकी के खिलाफ बोलना शुरू करता है। तब रॉकी ने गुस्से में आकर कमल को वही के वही मार देता है। तब सबको पता चलता है कि रॉकी कितना डेंजरस है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी ने रीना के साथ अपना महल की तरह हेलीकॉप्टर में जाता है। तब सारे KGF के लोग सलाम करते हुए दिखते हैं, क्योंकि रॉकी ने सारे लोगों को सब कुछ दे रहा होता है, अच्छा खाना पीना मकान और फ्रीडम दे रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वानरा को जो गरुड़ा के बॉडीगार्ड थे और उनको बांध कर रखा है, और रॉकी ने वहां आता है और वानरा के साथ बात करता है। तब पता चलता है कि KGF में एक माइनिंग नहीं बल्कि 9 माइनिंग है और उसे सेक्टर 3B9 कहते हैं। ये सुनकर वानरा की होश उड़ जाती है और रॉकी ने वानरा से कहता है कि यहाँ राजा परमानेंट नहीं है, सिर्फ राज्य ही परमानेंट है, और उसे अपना साथ काम करने के लिए ऑफर करता है और वानरा भी मानता है। और बाद में वानरा ने KGF के सारे लड़के को बंदूक चलाना सिखाना शुरू करता है और वानरा को KGF की पूरी सिक्योरिटी करने का काम मिलता है, जैसे पहले वो गरुड़ा के साथ करते थे। बाद में रॉकी और 8 माइनिंग्स को खोलता है और बाद में माइनिंग काम करने वाले लोग अंदर जाने के लिए डर रहा था। तब रॉकी ने उसके साथ मिलकर माइनिंग के अंदर जाता है और उनके साथ मिलकर एक लीडर की तरह उनके साथ काम करता है। इधर घर में रॉकी के बारे सुनकर रीन गुस्से में होती है। तब कुछ बच्चे ने रीना को नराची के अंदर ले जाते हैं और रॉकी के बारे एक गाने के रूप में बताते हैं, जैसे रॉकी ने उन सारे लोगों का जिंदगी बदल दिया और जैसे उन गुंडों को पीटा और लोगों को गरुड़ा से बचाया था। अगले सीन में देखते हैं राजेंद्रा और एंड्रूज ने रॉकी से कितना परेशान है और रॉकी को खत्म करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, और उनको तब पता चलता है कि ये काम सिर्फ रमिका सेन ने कर सकती है, क्योंकि वो एक क्लेवर एंड पावरफुल राजनेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी ने सोने की वेयरहाउस में होता है और वो देखता है कि कितना सोना निकला है, और उससे रॉकी खुश नहीं होते हैं और वकर से बोलता है कि इतना सोना काफी नहीं है और काम का स्पीड बढ़ाना होगा। तब अचानक से वेयरहाउस में ऊपर से एक बॉक्स गिरता है, उसमें से एक तलवार नीचे गिरती है और वह तलवार किसी और का नहीं था, ये अधीरा का था। इसे देखकर वहां काम करने वाला मजदूर काफी डर जाते हैं और वाहन से भागने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अधीरा को, अब वह KGF लेने के लिए आ रहा होता है और अधीरा ने चेकपोस्ट नंबर 1 पर अटैक किया है। वाहन अधीरा और उनका लोगों ने रॉकी के 300 लोगों को मार देते हैं। बस एक आदमी को जिंदा छोड़ता है और उससे कहता है कि जाओ तुम्हारे भगवान से बोलो अधीरा आ रहा है अपना KGF और अपना तलवार वापस लेने के लिए। तब KGF के लोगों को पता चलता है कि अधीरा अभी भी जिंदा है और वह सारे काफी डरे हैं, क्योंकि अधीरा तो गरुड़ा से भी ज्यादा खतरनाक है। अगले सीन में एंड्रूज और राजेंद्रा बात करते हुए देखते हैं और एंड्रूज ने बताता है अगर रॉकी को मारना तो उनको नराची से बाहर लाना होगा, लेकिन कैसे। तब एंड्रूज ने राजेंद्रा को मार देता है क्योंकि उसकी बेटी रीना उसे देखने आती है। तब रीना को किडनैप करके रॉकी को नराची से बाहर बुला सके और उसका प्लान सफल भी होता है। तब पता चलता है कि एंड्रूज ने अधीरा से हाथ मिलाया है। अगले सीन में रीना ने अपना बाप की मौत की खबर सुनकर देखने जाती है। तब रॉकी भी उसको रोकने के लिए पीछा करता है, लेकिन रास्ते में रीना को अधीरा के लोगों ने किडनैप करते हैं और उसे अधीरा के पास ले जाते हैं। तब रॉकी ने भी रीना को बचने के लिए अधीरा के पास जाता है और वहां एक बड़ा फाइट होता है और रॉकी ने सबको मार मार कर आगे जाता है। तब अनजाने में येन कॉशन बोर्ड के ऊपर पैर रखता है, तब अधीरा ने रॉकी को शूट कर देता है और रॉकी वही गिर जाता है और अधीरा ने रॉकी को जान से मारने से छोड़ देता है, क्योंकि रॉकी का हालात देखकर उनके लोगों का विश्वास टूट जाए और वाहन के लोगों ने भी रॉकी की हालत देखकर काफी डरे हुए हैं।
क्योंकि अधीरा इनको छोड़ने वाला नहीं है। अगले सीन में इधर शेट्टी ने सारे रॉकी के सपोर्टर्स को मुंबई में मारना शुरू करता है और अधीरा ने जो लोग केजीएफ से बाहर निकलता है उन सबको मारकर एक ट्रक में वापस बचता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। बाद में शेट्टी ने रॉकी को कॉल करता है और छेड़छाड़ करता है। इससे रॉकी गुस्सा हो जाता है क्योंकि शेट्टी ने रॉकी की गर्लफ्रेंड रीना के बारे उल्टा सीधा बोलता है। बाद में रॉकी ने उनके चाचा को कॉल करता है और उसे कुछ काम के लिए कुछ पूछता है और वो एक प्लान बनाता है और बाद में अपना हेलीकॉप्टर में अपना सारा पैसा और सोना लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। तब सारे लोग समझता है कि रॉकी ने सब कुछ छोड़ के अधीरा के डर से भाग रहा है। बाद में हम देखते हैं रॉकी और रीना दोनों एक बीच में होते हैं। तब इनायत कलील के लोगों ने उनको राउंड अप करते हैं और दोनों को इनायत कलील के पास ले जाते हैं। तब पता चलता है रॉकी ने इनायत कलील से मिलने आए हैं और उनसे हथियार खरीदने आया है। अब वह कलील से बात करता है और बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन कालीन ने मना कर देता है क्योंकि रॉकी के साथ कोई नहीं है। तब पता चलता है कि रॉकी अपना चाचा से मिलकर दुबई में बैठे बैठे मुंबई में सारे शेट्टी और कलील के आदमियों को मार दिया है। तब इनायत कलील भी रॉकी से साथ मिलाता है। बाद में रॉकी ने केजीएफ में वापस आता है। तब वानरा को बताता है सोना डिलीवरी देने वाला ट्रक बाहर निकालने के लिए। बाद में ट्रक केजीएफ से बाहर आते हैं। तब रास्ते में अधीरा ने आगे वाली ट्रक को उड़ा देता है। तब रॉकी ने दूसरे ट्रक से बाहर आता है और अधीरा के ऊपर एक इनविजिबल गन पकड़कर निशाना बनाता है। तब अधीरा भी अपना लोगों को शूट करने के लिए इशारा देता है। तब रॉकी के आर्मी ने अपना नया मशीन गन को बाहर निकालती है और अधीरा के लोगों पर फायरिंग करते हैं। तब कुछ लोग मर जाते हैं और अधीरा बुरी तरीके से घायल हो जाता है और रॉकी ने अभी अधीरा को जिंदा छोड़ता है। बाद में अपना इन्फ्लुएंस से यूज करके गुरु देशपांडेन की सरकार को बचाता है और रॉकी का बिजनेस बढ़ते चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी मुंबई में आता है और शेट्टी के पास जाता है। इनको देखकर शेट्टी की होश उड़ जाती है और बाद में शेट्टी को मार देता है और फिर से मुंबई पे अपना कब्जा करता है। इसके साथ साथ रॉकी भी धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है। अगले सीन में गुरु पांड्यन आता है रॉकी से मिलने, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाली है और वो कहता है अगर हम जीतना तो रमिका को मरना पड़ेगा। तब रॉकी ने बताता है हम कभी भी बच्चे और महिलाओं को नहीं मारते हैं, जाने दो, देखेंगे क्या करती है वो। बाद में हम देखते हैं इलेक्शन में रमिका ने जीत ली है। उनके पीएम की शपथ लेने के बाद एक सीबीआई अफसर आता है, उनका नाम है राघवन। वो अब रमिका सेन से मिलने आए थे। बाद में वो प्रेजेंटेशन बनाकर रमिका को रॉकी की बारे पूरी कहानी बताता है, क्योंकि वो बहुत सालों से केजीएफ और रॉकी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। और इधर रॉकी ने पूरा केजीएफ को मॉडरेट कर देता है, काम करने वालों को अच्छे अच्छे फैसिलिटी देना शुरू कर देता है। बाद माइनिंग के अंदर एक आदमी को पकड़ते हुए देखते हैं, वह केजीएफ के अंदर जासूसी कर रहा होता है और वो कोई नहीं है, वो आनंद जी है जो पहले पार्ट में कहानी सुना रहा था। और रॉकी ने उसको जो सच्चाई है वो लिखने के लिए बोलता है। बाद में हम देखते हैं काली माँ का पूजा होता है और वाहन पे रॉकी ने रीना से शादी कर लेता है। बाद दोनों रोमांस करते हैं और वो गाना भी अच्छा है। इस तरह रमिका सेन ने रॉकी को कंट्रोल करने के लिए उनके अलग अलग वेयर हाउस पर राइड करवाती है, लेकिन कहीं पे भी उनको कुछ नहीं मिलती है। लेकिन एक बार राइड करने पे एक गोल्ड बिस्किट मिलती है और वह लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। बाद में रॉकी ने उस गोल्ड बिस्किट को लाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। जब वो उस सोने को ले लेता है, बाद में वो अपना नया मशीन गन से पूरा स्टेशन को उड़ा देता है। बाद में हम देखते हैं रॉकी ने सीधा रमिका सेन के पास जाता है, क्योंकि रॉकी को पता था कि रमिका को कुछ एविडेंस मिली है और रॉकी को अरेस्ट करवाने के लिए सोच रही है। तब रॉकी ने एक फ्लावर बोके के साथ रमिका के सामने आता है और अपने आप कंप्लेंट देता है, खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है। तब रमिका के कुछ सपोर्टर्स ने मना करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सबको रॉकी से फंडिंग आ रहा होता है। तब रमिका ने कंप्लेंट नहीं लेती है और रॉकी वहां से चला जाता है। बाद में रॉकी के जीएफ में आता है और बताता है सारा सोना सप्लाई बंद कर दो। तब ये बात इनायत कलील को पता चलता है, वह रॉकी के खिलाफ हो जाता है और अधीरा के साथ हाथ मिला देता है। बाद में हम देखते हैं एंड्रूज ने नराची के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढ लिया होता है और आके अधीरा को बताता है। और इधर रीना को पता चलता है वह प्रेग्नेंट है और इसे बताने के लिए रीना ने नराची के अंदर जाती है। जब रीना ने रॉकी को ये बात बांटने लगती है, तब अधीरा ने टनल तोड़कर नाराची के अंदर आ जाता है और रॉकी के गॉड्स को मारकर आगे आता है। और इधर रीना ने रॉकी से बोलने लगती है, तब अधीरा ने रीना को शूट कर देता है। तब रॉकी ने गुस्से में अधीरा और उनके लोगों पर अटैक करता है। अब अधीरा और रॉकी के बीच लड़ाई होती है और दोनों बराबर लड़ते हैं। अंत में रॉकी ने अधीरा को मार देता है
तब अपना चाचा से पूछता है कि ये कौन सा माइनिंग से आया है। तब चाचा ने है 3 नंबर माइनिंग से आए थे। तब रॉकी ने सीधा अपना लड़ाकों के साथ बंदूक पकड़ के पार्लियामेंट पर अटैक करता है। इस सीन का स्वैग तो अलग ही लेवल पर है और सीधा अंदर जाके गुरु पांड्यन को उड़ा देता है। तब पता चलता है कि ये सारे कहानी के पीछे गुरु पांड्यन था और उन्होंने अधीरा को लेकर आया था और उन्होंने अधीरा को नाराची का रास्ता दिखाया था। और बाद में हम देखते हैं रमिका ने रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट को साइन कर देती है और कगफ को भी खत्म करने के लिए आदेश देती है। अगले सीन में आर्मी ने KGF के ऊपर अटैक करती है और वाहन से लोगों को बाहर निकालते हैं। तब पता चलता है कि रॉकी ने वहां से गायब हो गया है। सीन चेंज होती है, रॉकी ने एक शिप में सारा सोना भरकर देश छोड़ के बाहर जा रहा होता है। फिर रॉकी ने खुद एक फैक्स भेजता है क्योंकि रॉकी ने अपना लाइफ एंड करना चाहता है। बाद में रमिका ने रॉकी की शिप और KGF को उड़ाने के लिए परमिशन देती है और अंत में रॉकी अपना सारा सोने के साथ समुद्र में डूबते हुए दिखता है। और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।